दोस्तों देशभक्त यादगार हाल जलंधर गदरी बाबयां दा मक्का स्थान जे स्थान दे उत्ते अज 1 नवंबर 2022 नूं 31वां गदरी बाबयां दा मेला लग्या है और ये मेले की बैकग्राउंड है 1 नवंबर 1913 नूं जदों सैन फ्रांसिस्को दे विच जुगंतर आश्रम दे विच पहली अखबार छपी सी इहदे बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे। पर अज दीआं जो तस्वीरां जो इत्थे पोस्टर कंधां दे लगे ने उहदे बारे चलदे चलदे होए कि 13 अप्रैल 1919 नूं जनरल डवायर दे हुकम दे उत्ते जो निहत्थे लोकां दे उत्ते फायर कर दित्ते गए जनरल डायर ने 1750 गोलियां बिना किसी आवाज़ दित्तियां बिना कोई लोकां नूं चेतावनी दित्तियां गोलियां चला दित्तियां गईयां और हज़ारां लोकां दी मौत हो गई लोग शहीद हो गए। अगला पोस्टर है 1938 किसान मोर्चे दे विच रेलवे स्टेशन अमृतसर दे उत्ते गदरी बाबे जिहड़े है वह गिरफ्तारी दिंदे होए जिन्हां दे विच संता सिंह गंडीविंड दर्शन सिंह फेरूमान कामरेड फौजा सिंह ते गदरी पार्टी दे प्रधान बाबा सोहन सिंह पगना दे करम सिंह चीमा जिन्हां ने अपनी गिरफ्तारी 1938 जीती। इह ने आजादी लहर दीआं विरांगणा बीबी गुलाब कौर जो फिलपाइन दे विच अपने पति नूं चूड़ियां सिट के आ गई सी कि जे तू गदर विच शामिल नहीं होना तो मैं पंजाब दी धी इस गदर विच जरूर शामिल होवांगी। सलाम है माताओ भैणों तुहानू तुहाडे जज्बे नूं जिन्हां ने इस पंजाब दी इस देश दी इज्जत रखी पग रखी है जज्बे नूं सलाम है। ये वो भयंकर कांड है 1915 दा सिंगापुर दा जिथे सिंगापुर दे विच पठान रेजिमेंट दे व्यक्तियों नूं उन्हां नूं बागी ऐलान के शरेआम कंध नाल खड़े करके शहीद कर दिता गया बरतानवी साम्राज द्वारा। किड्डा वड्डा इतिहास भारत की आज़ादी दे जंगे आज़ादी दी लड़न वालियां दा ते ये है कामागाटा मारू दी यादगारी तस्वीर बाबा गुरदेव सिंह 1914 जो बहुत सारे पंजाबियों नूं लैके एक जहाज किराए ते लैके कैनेडा वल रवाना होए पर कैनेडा की बंदरगाह ते कुछ महीने जहाज खड़ा रखने तो बाद उस जहाज़ नूं वापस भारत मोड़ता गया ते भारत विच आउंदिआं ही बरतानवी हुकूमत द्वारा गोलियां नाल इहनां दा स्वागत किया गया। ये जज्बा ये सलाम बाबा गुरदेव सिंह ते उन्हां शहीदां नूं जो अपनी आज़ादी लई अपनी जंग लड़ रहे सी ते ये चुकी हुई कमर वाले वो साडे रहनुमा जां साडे लई आदर्श बाबा सोहन सिंह पकना जिन्हां जिंदगी दे 90 साल देश नूं आज़ादी कराउण लई लाए ते जदों 23 साल की जेल कट के वापस अपने पिंड पकना आए सी ते अपना घर ही भुल गया सी। सलाम है बाबा जी तुहानू शहीद करतार सिंह सराबा शहीद भगत सिंह नौजवानों के हमेशा प्रेरणा स्रोत जिन्हां ने आज़ादी की लड़ाई दे विच कुर्बानियां दे के देश नूं आज़ाद करवाया। तो असी चलते चलते तो देशभक्त कमेटी वालों बहुत अच्छा एक काम इस स्वागती गेट के नाल ही जो खब्बियत कंध है उससे किया गया है कि भारत सरकार द्वारा वख वख झूठे केसां च भारत भर चों बुद्धिजीवी तर्कशील कारकुन जिन्हां नूं जेलां दे अंदर डकिया गया क्योंकि ये लोग मनुखी हक्कां लई लड़न वाले लोग मनुखी हक्कां लई आवाज़ उठाउण वाले प्रोफेसर वरवरा राओ वर्गे प्रोफेसर शोभा सेन गौतम नवलखा और 90% शरीर अपाहज वाले प्रोफेसर साईं बाबा जो कि खुद चल फिर नहीं सकते बीमार ने उन्होंने भी जेल दे विच रखिया और एक नौजवान उमर खालिद जो कुछ समा पहला देशभक्त यादगार हाल की स्टेज तो बहुत जज्बे भरपूर वाला एक लैक्चर दे के गए सन इन्हां साथियों के उत्ते भारत की मोदी हुकूमत द्वारा जो इन्हां ते झूठे केस बना के इन्हां नूं जेल अंदर डकिया गया है उन्हां नूं रिहा कराउण लई इत्थे बहुत वड्डा एक पोस्टर लगाया गया जिते दस्तखत मुहिम जिहड़ी है चलाई गई है। इत्थे हज़ारां दे हज़ारां दस्तखत तुसीं देख सकते हैं साडे कैमरामैन सरदार जलाल वाला जी अजैब जी दिखाउणगे तुहानूं हज़ारां दे हज़ारां दस्तखत यह मंग उठा रहे ने कि इन्हां देश भगतां नूं इन्हां मनुखी कारकुनां वालिआं साथियों नूं तुरंत किसी होर गल ते इन्हां नूं तुरंत तो तुरंत जेलां तो बाहर कढ़िया जावे और जिन्हां दीआं बहुत सारिआं दीआं जमानतां हो गई ने कोर्टां दे विच उन्हां दे अगे नवें केस जिहड़े ओह पाए जा रहे आ झूठे केस पाए जा रहे आ मोदी हुकूमत द्वारा जो कि यह व्यक्ति हमेशा ही मनुखां दी रिहाई लई मनुखां दी आज़ादी लई मनुखां दी उन्हां दे अधिकारां लई लड़ाइयां जिहड़ियां दिंदे आ रहे हैं। सो असी इस वीडियो राहीं इन्हां साथियों लई रिहाई लई मंग करदे हां।